हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीजन पार्क दिखाऊंगा अगरतला का, तो आप लोग ये पार्क एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं ऑक्सीजन पार्क। तो फाइनली आ गए अभी ऑक्सीजन पार्क, लेकिन यहाँ का हालत मतलब बहुत ही ख़राब है। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, टिकट काउंटर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं जाके अंदर क्या हाल है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब तो इनॉग्रेट नहीं हुआ था, लेकिन आज ये ओपन है, इनॉग्रेट हो गया ये। और हमारे स्टेट के सीएम बिप्लब कुमार देव, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको। तो यही है मैप ऑक्सीजन पार्क का, पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है मैप यहाँ पे। तो फाइनली आज एंट्री मिला है ऑक्सीजन पार्क में। मतलब एक दिन आके हम लोग वापस चले गए थे, तो आज फाइनली मिला है एंट्री। और इधर से कुछ ऐसा है एंट्री, फिर देखिए एक खूबसूरत सा एक कोट लिखा हुआ है कि एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू 4 पीपल, डोंट यू थिंक आई एम अर्थ सेविंग। तो याद रखिएगा। अभी चलते हैं सामने की तरफ। आपको एक चीज दिखाता हूं, इधर देखिए जंगली सुअर। मैं तो पहले इसको ओरिजिनली समझ रहा था, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, ये स्टैचू है एक। और ऑक्सीजन पार्क 100 मीटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने 100 मीटर अभी क्रॉस कर रहे हैं गेट से। 100 मीटर हम लोग अभी तक आ गए और अभी जाने वाले हैं सामने की तरफ। ये रोड कहाँ तक ले जाते हैं हमें देखता हूँ। रास्ते में चलते चलते हमें कुछ और दिखा है, देखिए शायद किसी को ये दिखता भी नहीं है, लेकिन हमें दिख गया। बहुत ही क्यूट सा एक नेस्ट बना के रखा है और उसमें एक कबूतर जैसा यहाँ पे बैठा है। बहुत ही क्यूट लग रहा है और मतलब ओरिजिनल भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे तो ये दिख गया, ऐसे भी शायद सामने भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तभी 300 मीटर हम लोग आ चुके हैं। यूनिक बर्ड्स ऑफ ऑक्सीजन पार्क, देख देखिए इधर लिखा हुआ है, हॉर्नबिल नेस्ट है ये। ये है हॉर्नबिल नेस्ट। तो फाइनली हमने 500 मीटर कंप्लीट कर लिया है अभी। और इधर है ट्राइबल गैलरी और इधर से हम लोग जाएंगे अभी ट्राइबल गैलरी, वहाँ पे देखते हैं क्या बना के रखे ये लोग। ऑक्सीजन भर भर के है यहाँ पे, जितना चाहे उतना ऑक्सीजन ले लीजिए आप। तो हम लोग चलते चलते कुछ और रास्ते पे आ गए, जो ट्राइबल गैलरी बोला था मैंने उसी रोड पे चलते जा रहे हैं अभी। लेकिन पता नहीं इस रोड पे लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, सब लोग मेन वाले रोड से चले गए। ये इधर से हम लोग आए हैं, देखते हैं इधर से कहाँ जाके मिलता है। रोड तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी पीछे देख ही सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है मेरे चारों तरफ। इधर देखिए पूरा जंगल है, मैंने तो बोला ही था ऑक्सीजन भरपूर है यहाँ पे। और सीधा चलते जा रहे हैं अभी, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अभी हम लोग चलते जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं अंधेरा है पूरा, रोड भयानक रोड है यहाँ पे। ओह माय गॉड, वापस जाना चाहिए क्या? तो फाइनली चलते चलते
इधर से अभी आए हैं और इधर से आके अभी हमें जो मेन रोड था उनका पार्क का वो मिल गया है। अभी जाएंगे, फिर इधर से गेट बंद है, ये लास्ट है। तो फाइनली हमें पता चल गया इस रोड से आने से हमें ऑक्सीजन पार्क का लास्ट गेट मिल जाएगा। और अभी चलते हैं, फिर कहाँ जा सकते हैं देखते हैं। इधर शायद कुछ कॉटेजेस वगैरह है तो वो देखेंगे। तो फाइनली 900 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम 900 मीटर से बहुत ही ज़्यादा चल चुके हैं, क्योंकि जो ट्राइबल गैलरी रोड था वहाँ से जो हमने मतलब रोड पे गए थे तो वहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा चलना हो गया। वहाँ पे लगभग 500 मीटर के आसपास हम ऑलरेडी चल चुके थे और यहाँ पे तो बस 900 मीटर ही दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 900 मीटर से बहुत ही ज़्यादा है, और आपको सजेस्ट करूँगा उस रोड पर मत जाइए। वो रोड थोड़ा डरावना भी है, ट्राइबल गलाड़ी वाला रोड। अगर एडवेंचर पसंद है तो उधर जा सकते हैं, नहीं तो सीधा रोड पे ही आप लोग आइए, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फाइनली 1000 मीटर कम्प्लीट। तो 1100 मीटर चलने के बाद फाइनली हमें कुछ देखने को मिला है, कॉटेज टाइप। इधर से है एक कॉटेज है, इधर प्ले ग्राउंड टाइप है, और सामने बहुत सारे योगा मैट है, तो वहाँ पर शायद योगा कर सकते हैं। मतलब वो फिक्स है, आप घर पे ले जा नहीं सकते। और इधर पीछे तो है ही कॉटेज, खूबसूरत है बहुत। फ़ोटो खींचेंगे तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही है वो कॉटेज, पूरे पार्क में एक ही कॉटेज है। मुझे मतलब और भी है, लेकिन यही मुझे मतलब अच्छा लगा। और यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह आप कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन अभी क्या है, फॉग भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही गिर रहा है और इधर अंधेरा भी हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कि अभी निकल जाऊँ, क्योंकि लोग तो बहुत सारे इधर देख ही सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो होप आप सभी को यह पसंद आ रहा होगा ऑक्सीजन पार्क। आप आइए एक बार तो विज़िट कर ही सकते हैं, मतलब अच्छा लगे बुरा लगे वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार विज़िट कर ही सकते हैं, अच्छा है। मुझे तो अभी तक अच्छा ही लग रहा है। और अभी शाम होने को आई है और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। इधर ही है वो योगा मैट टाइप बना के रखी है लोग, देखिए छोटे छोटे बच्चे पुशअप भी दे रहे हैं। ये सारे योगा मैट देख सकते हैं आप, और एक साथ ऊपर से देखने से बहुत ही खूबसूरत लगता है योगा मैट। तो ये एक पोर्शन हो गया पार्क का, ये छोटे छोटे बच्चे पुशअप देना स्टार्ट कर दिए। अरे वाह, पुशअप कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। ये भाई साहब तो बहुत ही स्ट्रांग है। अरे वाह, तो ये है पूरा योगा मैट, ये अभी भी पुशअप दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये तो अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है गजराज कॉरिडोर, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है गजराज कॉरिडोर में फुटप्रिंट है, किसके फुटप्रिंट है पता नहीं चल रहा है। खूबसूरत आ रहा है, अंधेरा हो चुका है फिर भी ये खूबसूरत ही आ रहा है, मैं आपको जितना हो सके दिखा रहा हूँ। देखिए इधर भी एक कॉटेज है, तो अभी शाम के वक्त भी जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर ये कुछ अलग टाइप का कॉटेज बनाया हुआ है, अंदर नहीं जाएंगे अभी हम लोग, आपको बस दिखाना था इसलिए आ गए इधर। अभी रात हो चुका है फिर भी देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। चिल्ड्रंस पार्क है तो देखिए बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। ये रात में भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए रात हो चुका है अभी भी लोग मतलब यहाँ पे निकल नहीं रहे, पता नहीं कितने बजे तक खुला रहेगा ये पार्क। इधर देखिए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी टाइम हुआ है अभी 5:30 और अभी भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बाहर देख ही सकते हैं। देखिए
कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। यह ऑक्सीजन पार्क में इतना भीड़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और हमने थोड़ा लेट कर दिया था। आप अगर आना चाहते हैं तो दोपहर को आइए, 12-1 बजे के आसपास आइए, तो आपको अच्छे से पूरा घूमने को मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। हम लोगों को टाइम नहीं मिला, पूरा वीडियो कर नहीं पाए, अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी लोग कम नहीं हो रहे। तो ऑक्सीजन पार्क घूमने के बाद सिटी की खूबसूरत लाइटिंग देखते देखते हम लोग आ गए फिर से घर। वहाँ से आते आते 7 बज गए थे, और घर आके अभी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है मैंने। होप आप सभी लोगों को ये ऑक्सीजन पार्क वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो द व्लॉग हट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।